Welcome to everyone. If I'm live, please do let me know. And we'll be starting today. Introduction to word processor, जो क्लास 9th का टॉपिक है और काफी आईटी वाले लोगों के लिए भी है. इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर, आपकी जो बुक्स है, टेक्स्ट है, कैसे बनता है वो सब. एंड वील बी लुकिंग एट ऑल दोज थिंग्स इन टूडेज लेक्चर. सो प्लीज इफ एवरी वन प्रेजेंट, जो जो प्रेजेंट है थम्स अप डाल दो सो दैट वी नो दैट वी आर लाइव. सो दिस इज सीबीएसई कोर्स कोड 165. एक्चुअली कोर्स कोड 165 के लिए है, बट द थिंग इज कि ये कोई भी सीख सकता है. देर इज नो प्रीवियस नॉलेज नेसेसरी एज सच फॉर दिस थिंग. सो इफ माई वॉइस इज ऑडिबल प्लीज डू लेट मी नो. हेलो रिद्धि, हेलो हेतल, ऑल राइट, वेलकम एवरी वन. सो दिस इज गोइंग टू बी शॉर्ट सेशन. शॉर्ट सेशन इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है. जो जो मैं आपको वर्ड प्रोसेसर पे करके दिखाऊंगा, यू विल बी एबल टू रिकॉल इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है सच. ऑल राइट, सो किस किस ने ओपन ऑफिस के बारे में सुना हुआ है पहले? हैज एनी वन हर्ड अबाउट ओपन ऑफिस या फिर एमएस ऑफिस सुना होगा किसी ने? हेलो अरुण, वेलकम टू क्लास. इज माई वॉइस ऑडिबल? इज इट क्लियर? प्लीज पुट अ थम्स अप टू लेट मी नो. दिस सेशन इज फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर आई टी 402. जिन जिन को वर्ड प्रोसेसर के बारे में सीखना था, ओपन ऑफिस, एमएस ऑफिस, आज हम लोग वो सब देख लेंगे. ऑल राइट, ओके हेतल, सो यू डू नॉट नो एनी प्रीवियस नॉलेज. आपको पहले कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो भी हम लोग आज सीखेंगे वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रह जाएगा क्योंकि इट्स वेरी इजी और कुछ भी डेफिनेशंस लर्न करने जैसी चीज नहीं है. विल बी लुकिंग एट द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. ओके रिधि, आई ट्राई फॉर दैट, बट फॉर दिस मंथ यू हैव टू गो विद द 9:30. मे बी अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई विल शिफ्ट इट टू अ लिटिल अर्ली. अगर आपको आफ्टरनून जमता है, आफ्टरनून आपके लिए सही है या फिर इवनिंग टाइप सही है तो प्लीज डू लेट मी नो. सो विल बी स्टार्टिंग विद द वर्ड प्रोसेसर कि कैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हैं. आपने खुद भी किया होगा घर पे, इट वोंट बी एनीथिंग न्यू फॉर यू. ओके विलन, ग्रेट. ओके सो रिधि इज सेइंग आफ्टरनून, तो ठीक है हम लोग देखते हैं वो सब. सो पीपल हु डू नॉट नो मी, माई नेम इज आकाश सिंह. आई टीच कंप्यूटर साइंस ऑन दिस चैनल. मैं डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स लेता हूँ. मैंने AI 417 का सब्जेक्ट लिया था यहाँ पर. अभी CS 165 चल रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस. मैं IT 402 भी सोच रहा हूँ, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते कंप्यूटर्स में, डू लेट मी नो. हेलो आराध्या, हेलो हेलो मनीषा. सो इज माई वॉइस ऑडिबल राइट? सो एवरी वन इज स्पैमिंग, प्लीज ध्यान दे दो थोड़ा. यहाँ पर अच्छा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने वाले हैं. आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो यूज किया होगा, हम लोग उसका ही थोड़ा फ्री वर्जन यूज करेंगे जो आपके स्कूल्स में होता है. ओके सो फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट्स. आपको कभी भी कितने भी डाउट्स है डू लेट मी नो. ओके सो टुमारो देयर इज अ क्लास 5 PM फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो आपका AI 417 प्लस IT 402 के लिए है. सो हम लोग थोड़ा सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने फुल लेक्चर्स तो कर दिए हैं उसके, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो सारे लेक्चर्स हो चुके हैं अनअकैडमी ऐप पे. प्लीज गो फॉलो मी देयर. यहाँ पर वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा आपको, वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो मेरी प्रोफाइल आएगी. वहां पर सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं फॉर फ्री. देयर विल बी नो नीड फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर दैट एटलीस्ट. ऑल राइट, हेलो साक्षी, वेलकम शुभम, शुभ. ऑल राइट, ओके सो हेतल को HTML में प्रॉब्लम आ रहा है. HTML का रिवीजन हम लोग सैटरडे को रखेंगे. ऑल राइट, सो यूट्यूब पे पोस्ट हो जाता है वो, यू विल सी कि सैटरडे को क्या टाइमिंग है. ओके यस रिद्धि, दिस इज फॉर क्लास 9 टर्म 1. आर यू फ्रॉम क्लास 9 रिद्धि? सो बिफोर आई स्टार्ट, इज एवरीथिंग विजिबल टू यू? इज दिस विजिबल टू यू? क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर, एंड डू लेट मी नो कि इफ दिस इज विजिबल टू यू, आपको ये सब दिख रहा है? सो युशिखा, मेंटी हर दिन कैसे रखेंगे? मेंटी के लिए पहले आप पढ़ाई तो करोगे थोड़ी, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, कल मेंटी रखेंगे. ओके रिधि, सो जो भी ऊपर यहां पर जो लिखा हुआ है वो आपको थोड़ा थोड़ा तो विजिबल होगा. ओके 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 सो दिस इज एन ओपन ऑफिस राइटर, हम लोग इसके बारे में देखेंगे. किस किसने पहले ये यूज किया प्लीज पुट अ थम्स अप. किसने एमएस वर्ड यूज किया हुआ है पहले पुट अ थम्स अप.
संग्राम एमएस ऑफिस तो नहीं है ये ओपन ऑफिस है, बट द थिंग अबाउट ऑल दीज राइटर्स इज जहां पर भी आप लोग टाइप करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं सबके सब सेम होते हैं, सब में सेम फीचर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, सिर्फ कंपनी का डिफरेंस होता है। जस्ट लाइक योर चाइनीज मोबाइल, सब लोग सारे मोबाइल सेम दिखते हैं, सिर्फ उनकी कंपनीज डिफरेंट होती है। ऑलराइट, सो सबको दिख रहा है। ओके ओके ग्रेट। सो लेट्स सी, सबसे पहले थोड़ी थोड़ी थ्योरी देखेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। सो इंट्रोडक्शन टू अ वर्ड प्रोसेसर। सो आपकी जो स्कूल बुक्स होती हैं, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें कैसे आप इमेजेस देखते हैं, साइड में पैराग्राफ्स होते हैं, बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग होती है। सो वो जब बुक्स बनाते हैं, सबसे पहले वो सब ऑनलाइन बनता है, मतलब कंप्यूटर्स पे बनता है, लैपटॉप्स पे बनता है। सो जो सॉफ्टवेयर यूज होता है हम लोग उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। इट इज यूज टू डिजाइन बुक्स, आपका जो भी टेक्स्ट मटेरियल है, जो आपका क्वेश्चन पेपर भी है वो भी इन सब चीजों पे ही बनता है। सो लोकेश, 10th का रिवीजन होने वाला होगा सैटरडे को, सैटरडे को प्लीज ज्वाइन इन, वहां पर हम लोग 10th का फुल रिवीजन करेंगे। मोस्टली जो हम लोग फोकस करेंगे विल बी ऑन एचटीएमएल, एचटीएमएल के प्रैक्टिकल्स के साथ करेंगे थोड़ा। ऑल राइट, सो हेलो पार्थ, वेलकम टू क्लास। विल बी स्टार्टिंग अबाउट ओपन ऑफिस। सो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? इट इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड ऑर्गेनाइज एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। सो जो भी बुक्स देखते हैं सब इस पे बनती है, और हम लोग देखेंगे ओपन ऑफिस। सो ओपन ऑफिस आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री, ये इसकी वेबसाइट है openoffice.org। सो फॉर फ्री यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन टेस्ट ऑल दीज थिंग्स योरसेल्फ। ओके इट्स ओके हितिन, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। सो हम लोग पहले थोड़े फीचर्स देखते हैं क्या है, फिर हम लोग एक्चुअली वो करके देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें वर्ड प्रोसेसर में। सो सबसे पहले आपको एक चीज रिमेम्बर करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंटायर चैप्टर, इन द एंटायर लेसन, और जनरली भी जब भी आप कोई भी वर्ड प्रोसेसर यूज करें। हेलो डीजे गेमर्स, वेलकम। सो एक चीज है, इट इज वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, मतलब जो दिखता है वही आपको मिलता है। सो बेसिकली आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने रेड फॉन्ट डाला, आपने उसका साइज 26 कर दिया, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आपको प्रिंट फॉर्मेट पे भी मिलेगा। गुड इवनिंग, हेलो स्मार्ट टेक। सो वी कैन ऑल्सो इंसर्ट टेक्स्ट एनी वेयर इन द डॉक्यूमेंट, वी कैन डिलीट टेक्स्ट, वी कैन कट, कॉपी एंड पेस्ट। सो ये तो सब लोगों ने देखा। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस। इज माई स्क्रीन विजिबल? सो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल पुट अ थम्स अप प्लीज, एक बार थम्स अप डाल दो सो आई कैन कंटिन्यू टेलिंग यू कि कौन सी चीज कैसे होती है यहां पर। यस डीजे, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, आपने ऑलरेडी सब पढ़ा होगा, बट द थिंग अबाउट दिस इज कि आपने एक बार इसका बेसिक्स कर लिया, आपने ओपन ऑफिस का बेसिक्स कर लिया, आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आ गया। सो जब आप पाइथन और जावा सीखेंगे तो ये सब सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आपको बहुत हेल्प करता है यूज करने में। सो बेसिकली टू गेट एक्सपीरियंस इन कोडिंग आपको ये सब बेसिक्स ऑलरेडी आने चाहिए। सो साक्षी, इट विल बी एट 6:30 सैटरडे। सो जस्ट लाइक दिस आई हैव सेलेक्टेड द टेक्स्ट, एज यू कैन सी मैंने वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। वॉट आई कैन डू विद दैट इज आई कैन, ओके सो हु विल टेल मी वॉट इज द शॉर्टकट फॉर कटिंग अ टेक्स्ट? शॉर्टकट क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कटिंग समथिंग? हेलो एटीट्यूड गर्ल, वेलकम। हु विल टेल मी वॉट्स द शॉर्टकट फॉर कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग? गुड इवनिंग। सो इन ऑर्डर टू कट, कॉपी एंड पेस्ट, वॉट वी डू इज हम लोग के पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं। यस एग्जैक्टली स्टडी सर्कल। सो मैंने जैसे कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड एक्स दबाया तो जो भी टेक्स्ट सेलेक्टेड है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो गाइज व्हाट्सअप, सो ये एज सुन एज आई प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स ये कट हो जाएगा और गायब हो जाएगा, राइट? एंड वेन आई नीड टू पेस्ट इट अगेन, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है। एग्जैक्टली स्टडी सर्कल। ओके अक्षय, वेलकम टू क्लास। ओके सो हम लोग ने कट किया कंट्रोल प्लस एक्स से, अब मेरे को पेस्ट करना है वेलकम टू क्लास के नीचे। ओके सो व्हाट विल आई डू, आई विल यूज कंट्रोल प्लस वी। आई होप एवरीवन नोज दिस क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं ये, फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखेंगे व्हाट एल्स कैन यू यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर। ओके अक्षय गुड नाइट, आई होप यू आर कमिंग फॉर द लेक्चर, आप सिर्फ जा नहीं रहे छोड़ के। सो दिस इज हाउ यू कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज वेरी सिंपल। आप दूसरी जगह से भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि आप ये ऑन अ सॉफ्टवेयर विदाउट यूजिंग कीबोर्ड कैसे कर सकते हैं। ओके सो व्हेन यू सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, आई सेलेक्टेड वेलकम, मैं ऊपर गया एडिट पे,
इज एवरी वन एबल टू सी द टूल बार जो ऊपर जहां पर मेरा कर्सर है, इज एवरी वन एबल टू सी दैट? यस एग्जैक्टली स्मार्ट टेक संग्राम, सो युशिका ऑल्सो, ऑल ऑफ यू गेव द राइट आंसर्स. तो वो तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, बट अगर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है तो वी गो टू द एडिट. ओके सो वी गो टू द एडिट, एडिट वाला जो मेन्यू बार होता है वहां पर मैं आपको मेन्यू बार के कौन से टूल बार होते हैं वो भी दिखाऊंगा, बट जस्ट फॉर स्टार्टिंग एडिट में यहाँ पर आपको कट का ऑप्शन दिख रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स लिखा है उसके सामने. सो जस्ट एज आई कैन डू इट विद अ कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड से जो कर सकता हूँ मैं सीधा मेन्यू में जाके भी कर सकता हूँ. आई कैन प्रेस कट, वट आई कैन डू इज आई कैन पेस्ट इट अगेन यूजिंग द एडिट ऑप्शन, आई कैन पेस्ट इट अगेन. सो एज यू कैन सी आई कैन कट एंड पेस्ट यूजिंग द मेन्यू बार ऑल्सो. एंड हु विल टेल मी कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, वॉट इज कंट्रोल प्लस जी यूज फॉर? बिकॉज आई एम गोना यूज इट नाउ. अभी मेरे स्क्रीन पे जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जी दबाऊंगा कुछ होने वाला है. इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, यू डो नॉट हैव टू हैव अ प्रीवियस नॉलेज, काफी सिंपल टॉपिक है, बट हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कैसे छोटी छोटी चीजों से आप बहुत बड़ी बुक्स और टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं एक साथ. यस निहारिका, कंट्रोल प्लस जी इज फॉर अंडू. ऑलराइट, सो एज सुन एज आई प्रेस कंट्रोल प्लस जी वो वेलकम पेस्ट नहीं होता, वापस आ जाता है एंड वी गेट आर डॉक्यूमेंट. नाउ द थिंग इज यहां पर भी एक बटन होता है सेम चीज के लिए विच इज नोन एज अंडू. सो जो जो चीजें आप कीबोर्ड से कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर में, हम लोग यहाँ पर ओपन ऑफिस यूज कर रहे हैं विच इज कंप्लीटली फ्री और बहुत सिंपल है टू यूज. सारे जो आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वो यहाँ पर उनके बटन भी हैं, जैसे यहाँ पर अंडू आपको सब चीज मिल जाती है ऑन द स्क्रीन. ऑलराइट, ओके रिद्धि, इवन यू गॉट द राइट आंसर. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स सी, हम लोगों ने कट देखा, कॉपी देखा एंड डिलीट कैसे होता है. डिलीट एज यू ऑल नो आई जस्ट नीड टू प्रेस द डिलीट बटन, आइदर आई कैन डू दैट, एल्स वॉट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट एंड डिलीट. ओके, और आई कैन पुट, आई कैन प्रेस द बैक स्पेस बटन. सो रिद्धि लेट्स सी वॉट द डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड स्पेशल पेस्ट इज. सो आई जस्ट कॉपीड इट. ओके सो नाउ, सो नाउ द थिंग इज स्पेशल पेस्ट में क्या होता है, स्पेशल पेस्ट में यू आर कॉपिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. ओके सो फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन विकिपीडिया. अब विकिपीडिया में आपको कुछ तो होमवर्क के लिए कोई डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट कॉपी कर रहे हो, वहां पर फॉन्ट इज एरियल एंड द साइज इज 8, बट वेन यू नीड टू कॉपी एंड पेस्ट इन टू योर ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट, जब आप वो पेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपका ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स होगा वहां पर, आपको 16 साइज चाहिए, आपने ऑलरेडी लिख के रखा है. सो व्हाट पेस्ट स्पेशल डज इज आइदर यू कैन कॉपी जस्ट द टेक्स्ट, या फिर आप सिर्फ टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, या फिर साथ में जो उसका फॉन्ट सेटिंग्स होता है, फॉन्ट साइज होता है, वो भी कॉपी कर सकते हैं. ओके ऑल राइट, हेलो बीटीएस. सो आई होप रिधि आई सॉल्व योर डाउट. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल डज? So this was about the very basic things, features of word processor. Let's move on to the next thing. Cut and paste होता है, copy कर सकते हो. अब page का size जो है, right? Good evening Deepak, welcome. So आप page का size change कर सकते हो, आप find and replace कर सकते हो. Word wrap होता है, print होता है, font होता है. तो हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं सब चीजें क्या क्या है. And till here सबको सब clear हो गया. Everyone is able to see the screen. Everyone understood that what's happening here. Please do put a thumbs up. So we understood की ओपन ऑफिस राइटर क्या है, एकदम फ्री है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड होता है, ओपन ऑफिस राइटर फ्री होता है, बट दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली वो दोनों सेम ही है. ओके सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. एज वी ऑल नो हाउ टू ओपन एनी प्रोग्राम, दीज आर बेसिक्स, आप लोगों ने प्राइमरी स्कूल में ही सीख लिया होगा ये. कोई ऐसा है जिसने नहीं सीखा ये पहले? क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल में सिखा देते हैं आपको ये सब. सो ऑल राइट, सो मनीषा फॉन्ट का फंक्शन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. ऑल राइट, सो दिस ये जो फॉन्ट है आपके सामने ये टाइम्स न्यू रोमन है इसका नाम, बट इफ आई वॉन्ट टू चेंज द स्टाइल, आई वॉन्ट टू चेंज हाउ द फॉन्ट्स लुकिंग, सो वॉट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट द फॉन्ट फ्रॉम योर राइट. आर यू एबल टू सी द फॉन्ट नेम्स? गुड इवनिंग अंजलि. So Manisha, please select one of these fonts. I will make and change it for you.
और मे बी आई कैन ओनली सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट वर्डाना, राइट? सो नाउ यू सी दोनों में डिफरेंस दिख रहा है सबको, द फॉन्ट हैज चेंज्ड, अब दोनों में डिफरेंस आ गया है। सो अकॉर्डिंगली जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे डॉक्यूमेंट आपको बनानी है, जैसे आपको बुक बनानी है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, यस, स्टडी सर्कल, स्टडी सर्कल एज आई सेड, एमएस ऑफिस जो होता है, हम लोग जो अभी ओपन ऑफिस यूज कर रहे हैं, ओडीटी फाइल्स होती है बेसिकली ओपन ऑफिस, और आपका जो लिब्रे ऑफिस है, वो सब ये तीनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर, आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखने वाला है, जो भी फीचर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वॉट एवर द मेन्यू बार यूर लुकिंग एट इज एग्जैक्टली द सेम दर। ओके मनीषा, ऑल राइट, सो अंजलि, आई स्टार्ट पाइथन प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, आप नेक्स्ट वीक तक वेट करिए। सो यहाँ तक सबको समझा, इट्स वेरी इजी। सो नाउ देर आर वेरियस टूल बार्स, जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्योंकि आपके जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसमें उसका नाम आता है, वॉट एवर यू नेम इट, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन टू स्कूल या फिर एप्लीकेशन फॉर लीव, आप कुछ भी लिखेंगे उस आपके टाइटल बार पे आ जाएगा। ऑल राइट आदित्य, ये जो हम लोग क्लास 9th का कोर्स कोड 165 कर रहे हैं, ये इस वीक में पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से क्लास 9 का AI भी स्टार्ट होगा, क्लास 9 का IT भी स्टार्ट होगा, सो प्लीज डोंट वरी। सो हम लोग वीक वाइज जा रहे हैं, आपका जो सारा पोर्शन है हम लोग बहुत अच्छे से और क्लियरली समझेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यू बार्स होते हैं, ये होता है मेन्यू बार जहां पर आपको फाइल, एडिट, व्यू, फॉन्ट का ऑप्शन आता है। दीज आर द रूलर्स एज यू सी, यहाँ पर नीचे स्टेटस बार आता है जहां पर आपका वर्ड काउंट आता है, जहां पर आपको लैंग्वेज लिखा होता है, जहां पर आप डिफरेंट चीज इंसर्ट कर सकते हैं। सो दीपक, फोटोशॉप इज द बेस्ट फॉर दैट, एंड आई थिंक ऑल दीज थिंग्स यू हैव सीन बिफोर, देर इज नथिंग न्यू इन दिस। यहाँ पर सेम चीजें यहाँ पर भी हैं, टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, आपका फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया। गुड इवनिंग विवेक, यस मनीषा, आई होप आपने पहले पढ़ा हो ये, बट काफी लोग होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बट जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए उनके लिए काइंड ऑफ रिविजन है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर ही बिल्ड करने वाले हैं कि कैसे इमेजेस इंसर्ट करें। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टूल बार्स, और जो भी ऑप्शंस होते हैं आप वहां पर टूल बार में जाके होवर करेंगे अगर कर्सर, तो आपको सब दिख जाएगा। सो दिस इज नथिंग न्यू, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ टूल बार्स। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट एंड सेव अ डॉक्यूमेंट। सो आदित्य, ऑल्टरनेटिव टू एमएस ऑफिस दिस एंड वन मोर इज ओपन ऑफिस, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। गुड इवनिंग फ्लाइंग एंजल, सो डीजे गेमर्स, द एडवांटेज ऑफ लर्निंग दिस इज वंस यू लर्न हाउ टू एडिट डॉक्यूमेंट्स, राइट? सो समटाइम्स क्या होता है, आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना रेज्यूमे बनाना है, ओके? सो रेज्यूमे बनाने के लिए आप ये सब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बट वेन यू गो टू अ कॉलेज आपको बहुत ज्यादा माइन्यूट चेंजेस करने होते हैं, तो इसके बाद आप क्या सीख सकते हैं, After this, you can learn a language known as latex. This is used to create resumes. आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपने ये करेक्टली अच्छे से सीख लिया कैसे ऑफिस यूज करते हैं, आपको सारी सेटिंग्स फिर लेटेक्स में आपको कोडिंग के थ्रू सीखनी पड़ेगी। ओके, यस रिद्धि, आई होप यू हैव स्टडीड ऑल दिस बिफोर। ओके, सो राइट, वी ऑल नो हाउ टू सेव, फाइल पे जाके आप लोग सेव करते हैं, सेव एज करते हैं एज अ फाइल, either I can click on save, I can also use save as, whenever I use save as, I can change the name, for example, I am naming it as document 1, alright, so now you see here, what is this file format, so Aditya Pradhan, so this open office, sirf aapko 32 bit mein hi milta hai, 64 bit mein nahi milta hai, I know because I downloaded it last week, वहां पर मैंने देखा कि इट इज ओनली अवेलेबल इन 32 बिट। ओके, हेलो, लेट्स लर्न मैथमेटिक्स, आई होप यू आर लर्निंग मैथमेटिक्स वेरी गुड। ओके, सो मूविंग ऑन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग्स, यू नो नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट गो टू फाइल, यू सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन, सो दीज आर द ऑप्शन ओवर हियर, यू गो टू फाइल, यू ओपन इट, you select your file, for example now I have selected document 1, if I open it I will get the same document, okay?
सो आदित्य प्रधान, यस इट विल वर्क इन 64 बिट ओएस। हेलो अभिनव, व्हाट्स अप? सो नाउ द थिंग इज, ओडीटी फाइल टाइप होता है, डज एनीवन नो व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ ओडीटी इज? कैन एनीवन टेल मी व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ ओडीटी इज? सो मयंक विल बी स्टार्टिंग एचटीएमएल ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम लोग एचटीएमएल का फुल वन शॉट रिवीजन कर लेंगे थ्रू प्रैक्टिकल्स। अगर आपको फुल रिवीजन चाहिए तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट बिलो, इसी वीडियो के नीचे लिंक है जहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो मूविंग ऑन, ओडीटी का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ऑलराइट, सो ये फॉर्मूला, सॉरी ये फुल फॉर्म होता है इसका। मूविंग ऑन, हाउ यू कैन सेलेक्ट एंड रिप्लेस डिफरेंट थिंग्स? इज एवरीवन एबल टू सी माय स्क्रीन? सो आई एम राइटिंग थ्री लाइंस यहां पर। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट टू रिप्लेस दिस स्टूडेंट बाय चाइल्ड और बाय एनी अदर वर्ड। ओके, यस डीजे गेमर एट 9:30, ओके ऑल राइट। सो दिस इज विजिबल। नाउ आई वॉन्ट टू रिप्लेस दीज सिमिलर वर्ड्स बाय सम अदर वर्ड। अभी आप लोग बोलेंगे कि दिस इज तो वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या इतना डिफिकल्ट है? बट नाउ द थिंग इज, वेन यू आर क्रिएटिंग अ वेरी बिग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जहां पर आपके 10,000 वर्ड्स है या फिर हंड्रेड ऑफ पेजेस है, और आपने कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक बार बार की है एंड नाउ यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, वहां पर इसका फायदा होता है। वॉट यू डू इज, यू क्लिक ऑन फाइंड एंड रिप्लेस। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ, और यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन द मेन्यू बार। नाउ आई विल सर्च फॉर स्टूडेंट एंड आई विल रिप्लेस इट विथ चाइल्ड। सो नाउ वेन आई डू दिस, इफ आई क्लिक इट वंस, सब जगह वो फाइंड कर लेगा। एंड नाउ इफ आई क्लिक रिप्लेस वंस, अगर मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, एज यू सी वो स्टूडेंट रिप्लेस हो गया इन टू चाइल्ड। नाउ इफ आई क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, हर जगह पे वो चेंजेस हो जाएंगे। यस एग्जैक्टली। सो आदित्य प्रधान, आई लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। सो टिल यर सब लोग को समझ में आ गया हाउ टू यूज फाइंड एंड रिप्लेस? वेरी इजी, वेरी सिंपल। आप लोग जनरली भी पढ़ते टाइम करते ही होंगे ये सब। सो नाउ वी विल सी हाउ टू चेक स्पेलिंग्स। देर इज ऑल्सो फीचर फॉर चेकिंग द स्पेलिंग्स। ऑल राइट, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई राइट कंप्यूटर साइंस, बट नाउ वॉट आई डू इज आई चेंज द स्पेलिंग सो दैट द स्पेलिंग इज रॉन्ग। नाउ इफ यू सी, यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली बता देता है। हम लोग जनरली गूगल डॉक्स यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए, बट इफ यू लर्निंग दिस सॉफ्टवेयर, आपको इसके बारे में हर चीज आनी चाहिए कि कैसे कौन सी चीज वर्क करती है। ऑल राइट, थैंक यू मयंक। सो रिद्धि, एट दिस लेवल इफ यू वॉन्ट टू लर्न अ कोडिंग लैंग्वेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो पाइथन विल बी वेरी इजी फॉर यू। वंस यू लर्न एनी कोडिंग लैंग्वेज, आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आ गई, सो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न अदर कोडिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाइथन सीख ली तो आपको जावा आ जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसके वोकैबुलरी चेंज करनी पड़ेगी, आपको सी प्लस प्लस आ जाएगा। ऑल राइट निखिल। सो निखिल, एक काम करो, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखो, थोड़ा समझ में आएगा तो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डाउट पूछो जो भी आता। सो डीजे गेमर्स, बिफोर सी प्लस प्लस आई विल बी स्टार्टिंग विद पाइथन एंड जावा, क्योंकि दोज आर इजियर लैंग्वेजेस टू टीच एंड टू अंडरस्टैंड एज वेल। अगर आपको सी प्लस प्लस सीखना है तो आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू गाइज इन वन और टू सेशंस, उसके लिए बहुत लंबा, उसके लिए थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, बिकॉज दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। येस मार्टेक, आई डू टीच पाइथन। मूविंग ऑन, सो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर की स्पेलिंग रॉन्ग की है। नाउ वॉट आई कैन डू इज, आई कैन गो टू टूल्स, टूल्स में जाके लैंग्वेज में गया, राइट, लैंग्वेज में जाके फॉर सेलेक्शन में जाके मैं उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज इंग्लिश। ओके, नाउ उसके ऊपर एक और ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको चेक करने के लिए सीधा F7 दबा सकते हैं। एज आई क्लिकड ऑन F7, यहाँ पर इट हैज शोन की कंप्यूटर की स्पेलिंग इज रॉन्ग, और नीचे सजेशन भी दिया है। इन क्लास 10 आदित्य यू हैव पाइथन, हैज इट बीन स्टार्टेड इन योर स्कूल? आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया है क्या? सो विजय, क्लास इज लाइक फॉर 10 और 15 मिनट्स मोर, बहुत सिंपल टॉपिक है, आई नो आपने सब देखा होगा पहले, बट दिस इज जस्ट बिकॉज वी आर रिवाइजिंग द बेसिक्स। फिर कल हम देखेंगे कि कैसे यू इंसर्ट इमेजेस, यू कैन फॉर्मेट डिफरेंट टेक्स्ट। सो विजय वर्मा, द क्लास स्टार्टेड एट 9:30, ओके, सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन चेंज, उससे स्पेल चेक हो जाता है एंड ऑल योर स्पेलिंग्स आर करेक्टेड। सो मूविंग ऑन, इज दिस अंडरस्टूड?
यस विजय, दिस इज क्लास 9, सो दीपक टैली मे बी लेटर ऑन. यस माटेक, आई टीच यू पाइथन बट प्लीज वेट फॉर सैटरडे और संडे, आई विल अनाउंस कब क्लास होने वाली है. देर इज ऑल्सो अ थिंग नोन एज डिक्शनरी, डिक्शनरी और यू कैन ऑल्सो से सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स. नाउ इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस वर्ड, इफ आई सेलेक्ट साइंस, आई गो टू टूल्स, मैं लैंग्वेज में जाता हूँ. देर इज एन ऑप्शन फॉर थेजोरस जहाँ पर आप साइंस के बदले कोई और वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं. सुनाओ, यहाँ पर यू गेट ऑल दीज वर्ड्स, साइंटिफिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फील्ड. हेलो चांचल, वेलकम. हेलो आरती. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप वर्ड का मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग्स. जैसे आई विल रिप्लेस साइंस विद सब्जेक्ट, सो आई रिप्लेस्ड इट, कंप्यूटर सब्जेक्ट थेजोरस से चेंज हो गया. सो मूविंग ऑन, लेट्स क्विकली सी द नेक्स्ट थिंग. अंडू एंड रीडो हम लोग ने देख लिया था, कंट्रोल प्लस जी वेरी इजीली, बहुत सिंपली हो जाता है वो. रीडू मतलब कंट्रोल जी का ऑपोजिट, कंट्रोल प्लस वाई होता है. हम लोगों ने आइकन भी देखा था, ये आइकन होता है बार पे. ऑल राइट डीजे गेमर्स, प्लीज डोंट स्पैम. अगर किसी और को डाउट आ रहा होगा और उसने डाउट पूछा तो आपका कमेंट ही दिखेगा मुझे और किसी का कमेंट ही नहीं दिखेगा. ओके, आईटी बुक फॉर कंप्यूटर. सो डीजे गेमर, डू लेट मी नो व्हाट योर सिलेबस इज. इट्स इस वीडियो के नीचे लेटर ऑन आप कमेंट कर दो कि आपका सिलेबस क्या है. अगर कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो उसमें आपको डिफिकल्टी, आई कवर दैट. सो रिद्धि चौधरी, आई डोंट थिंक इस चैप्टर के लिए आपको नोट्स की जरूरत है एज सच. आप सिर्फ ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लो और वहां पर आप चेक कर सकते हो डिफरेंट चीजें. एल्स ओके, ऑल राइट. सो मूविंग ऑन, हम लोग जल्दी देखते हैं कि कैसे फॉन्ट साइज चेंज करते हैं. दैट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. नाउ द फॉन्ट साइज इज 60. आई कैन चेंज इट टू एनी फॉन्ट आई वॉन्ट. कौन सा फॉन्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट दिस, एज यू सी फॉन्ट चेंज हो रहा है. नाउ वॉट आई कैन डू इज, ऑल राइट डीजे गेमर इज कूल. सो आई कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड. इस टेक्स्ट में बोल्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा बोल्ड है. सो लेट्स चेंज इट टू समथिंग एल्स. सो कंप्यूटर सब्जेक्ट, आर यू एबल टू सी दिस? सब लोग को दिख रहा है राइट व्हाट्स हैपनिंग हियर? सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ, मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ. सो दिस इज हाउ यू यूज ओपन ऑफिस. एंड आई कैन ऑल्सो चूज कलर्स. नाउ इफ आई वॉन्ट टू यूज अ कलर दिस, सो एवरी वन अंडरस्टूड दिस. इट्स प्रिटी ईजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. आपने सब पहले किया होगा ये. सो दिस इज हाउ यू चेंज फॉन्ट्स, डिफरेंट टाइप फेस, मतलब रेगुलर टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, बोल्ड, बोल्ड प्लस इटैलिक. सो आदित्य प्रधान, आई विल टेक अ स्पेशल क्लास ऑन दैट. प्लीज ज्वाइन दैट वेन आई डू, प्रॉबेबली विद इन द नेक्स्ट मंथ. आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ बॉट टू स्टॉप स्पैम कमेंट्स, नॉट ओनली ऑन YouTube बट ऑन Instagram और Facebook. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट. नाउ कैन एनी वन टेल मी वॉट दिस इक्वेशन गिव्स यू? दिस इज द बर्निंग ऑफ अ हाइड्रोकार्बन. यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है. वी आर बर्निंग इट. वॉट आर द टू प्रोडक्ट्स दैट वी गेट? नो डीजे गेमर, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट आई एम बेसिकली डेटा साइंटिस्ट, यू कैन से. आई कोड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा लगता है. आई क्रिएट थिंग्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑल राइट, ओके ओके. सो कैन एनी वन टेल मी कि दिस इज मीथेन राइट? ये मीथेन है एंड दिस इज ऑक्सीजन. कैन यू टेल मी वॉट द प्रोडक्ट यू, वॉट इज द प्रोडक्ट यू गेट? येस एग्जैक्टली आदित्य प्रधान, 4 and 2 are सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मतलब वो लेवल के नीचे आता है. सो जिसको नहीं पता है, दिस इज सी ओ टू, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ. सो वाई आई रोट दिस वॉज, हम लोग ये एग्जैक्ट थिंग हम लोग करके देखेंगे. सो रिधि, नो मिथेन डाइऑक्साइड नहीं है, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन. दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन. कंप्यूटर साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है थोड़ा, बट ऑल राइट. सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दैट. सो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सी एच फोर. इज दिस फॉन्ट विजिबल टू एवरी वन? कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है दिखना? यस आदित्य प्रधान, आई डू. यस एग्जैक्टली डीजे गेमर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है.
बट बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो हम लोग ओपन ऑफिस देख रहे हैं, हम लोग विंडोज देखते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। सो एवरीवन इज एबल टू सी दिस राइट? सो नाउ द थिंग इज कि यहां पर ये जो सारी चीजें हैं सेम लाइन में है, क्योंकि बट जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो आप सेम लाइन में नहीं लिखते हो, राइट? फोर और टू जो है वो नीचे आना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ऑल राइट गौरी, इट्स कंप्लीटली फाइन। सो आदित्य प्रधान सीओडी एंड जीटीए। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ फोर को सेलेक्ट करेंगे। फोर को सेलेक्ट करने के बाद विल गो टू फॉर्मेट, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू कैरेक्टर। कैरेक्टर में जाके हम लोग पोजिशन में उसको सब्सक्रिप्ट कर देंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। सो नाउ इस फॉन्ट में नहीं हो रहा है, वी विल हैव टू चेंज द फॉन्ट टू बैक टू एरियल। वी हैव टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज फॉर दैट। ऑल राइट, नॉट एग्जैक्टली आदित्य, नॉट सीओडी वॉर जोन, बट ऑल राइट डीजे गेमर्स, एवरी डे एट 9:30 आई प्ले ऑन पीसी एंड ऑन सीओडी मोबाइल। सो आई होप यहां पर तो ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि आई होप देर इज समथिंग। लेट्स ट्राई टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज इवन मोर। सो यस, नाउ इट हैज चेंज। ऑल राइट, नॉट एग्जैक्टली आदित्य, सीओडी कंप्यूटर्स के लिए भी बनता है। सीओडी की जो बहुत पहले गेम्स आती थी, पूरी फ्रेंचाइजी, आई हैव प्लेड दैट। सो दिस इज हाउ यू डू इट, यू गो टू फॉर्मैट, यू गो टू कैरेक्टर, आप सेलेक्ट करते हो सबस्क्रिप्ट एंड यू प्रेस ओके। सो एज यू कैन सी CH4 का 4 नीचे आ गया है, O2 का O नीचे आ गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नॉट एग्जैक्टली स्मार्ट टेक। हेलो रंजिता, वेलकम। सो मूविंग ऑन, दिस इज हाउ यू कैन चेंज द केस। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पे जाओ, कैरेक्टर पे जाओ, कैरेक्टर में जाके सेलेक्ट द सब्सक्रिप्ट एंड प्रेस ओके। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। हम लोग नेक्स्ट H2O को भी कर देते हैं चेंज, एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन हाउ यू गेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सो डीजे गेमर्स, इन द फ्यूचर आई डोंट थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इतनी जरूरत होगी एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीपल। ऑल राइट, सो एवरी वन हु हैज डाउट्स प्लीज कंटिन्यू टू आस्क डाउट्स, क्योंकि हमारा सेशन इतना था इसके लिए। आपको बेसिक्स पता चल गए, कैसे कलर चेंज होता है, फॉन्ट चेंज होता है, सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे होते हैं। आई होप सबने पहले किया हुआ है ये, क्योंकि आपकी क्लास 9th में अगर इससे कोई ऑप्शन आया, कोई क्वेश्चन आया, यू विल हैव टू बी एबल टू सॉल्व दैट। सबको फुल आने चाहिए उसमें। येस सीओडी, सीओडी के सारे जितने भी फ्रेंचाइजी है आदित्य प्रधान, आई हैव प्लेड दोस्त। तो स्मार्ट टेक माई यूजर आईडी, इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी प्लीज फॉलो मी डाउन। अगर इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको, मेरी प्रोफाइल का लिंक जो टेलीग्राम पे है। सो स्मार्ट टेक, आई डू नॉट प्ले फ्री फायर, राइट? सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। शार्दुल सिंह, आपको 10th स्टैंडर्ड का मैं रिविजन करवाऊंगा ऑन द वीकेंड। आपका HTML का सबसे पहले रिविजन करेंगे, क्योंकि दैट इज अ वेरी बिग चैप्टर, काफी लोगों को उसमें डाउट्स है। सो बेसिकली डीजे गेमर्स, AI एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ऑल राइट, सो CBSE टर्म 1 के प्रेपरेशन के लिए देर इज समथिंग नोन एज अन अकेडमी एमर्ज, जहाँ पर कंटिन्यूस फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हो आपको पता चल जाएगा, या फिर ज्यादा है, देन यू विल नो दैट्स अ बेटर सब्जेक्ट। यस रंजिता सिंह, रंजिता आई विल स्टार्ट दैट दोज लेक्चर्स इन प्रोबेबली 5
5 days, नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू स्टार्ट IT 402, क्योंकि इस वीक क्लास 9th का जो CBSE कोर्स कोड 165 है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा, फ्राइडे से पहले कंप्लीट हो जाएगा। टुडे इज वेडनेसडे राइट, सो थर्सडे एंड फ्राइडे क्लास 9th की क्लासेस चलेंगी, एंड सैटरडे को क्लास 10th के लिए रिविजन होगा, एंड मंडे ऑनवर्ड्स IT 402 फॉर क्लास 10th। ओके अंडरस्टूड। सो आप सबके टर्म 1 एग्जाम्स आ रहे हैं, आई नो सब लोग थोड़े टेंशन में है, बट टेंशन मत लो, दैट इज वेरी इजी, आप लोग को सब ऑलरेडी आता है, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। सो क्लास 10th के लिए एक प्रैक्टिस एग्जाम है ऑन द सैटरडे, दिस सैटरडे एंड ऑन संडे। तो साइंस का एग्जाम होगा सैटरडे को और संडे को मैथ्स का एग्जाम है। द टाइमिंग्स आर दीज 5 to 6:30 PM, इट इज कम्प्लीटली फ्री। सो प्लीज अटेम्प्ट कर लो, नॉट बिकॉज की अन अकेडमी का है, जस्ट बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके लिए अटेंड कर लो। राइट डीजे गेमर, सो नो स्मार्टेक, आई डू नॉट टीच आरडीओ नो। सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जिन लोगों के पास नहीं है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वाई इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब एंड वाई यू शुड टेक इट, क्योंकि यूट्यूब पे एज यू नो कि काफ़ी लोग डाउट्स पूछते हैं, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, बट सब लोग के डाउट्स और कमेंट्स को रिप्लाई करना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। प्लस यहाँ पर यूट्यूब से बेटर आपको इंटरफेस मिलेगा अनअकैडमी पे, लाइव लेक्चर्स होते हैं सारे, एंड आपको यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट को सर्च करना पड़ता है राइट। सो अनअकैडमी पे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट के आपको बहुत सारे एडुकेटर्स मिल जाएंगे, टॉप एडुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ऑल राइट रंजिता, तो कल आपका आईटी एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, प्लीज डू नॉट वरी, आई होप यू नो एवरीथिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए सो जस्ट आँख बंद करके एक बार कॉमन सेंस से सोचो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑल्सो ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन अगर आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑल राइट कविता, सो लेट्स मूव ऑन। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलते हैं अनअकैडमी पे, जैसे रंजित का कल एग्जाम है, नाउ शी वॉन्ट्स नोट्स, अभी नोट्स के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऐसी चीजों पे काम आता है, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेस। ऑल राइट मनीषा, थैंक यू, गुड नाइट। सो आदित्य प्रधान, वॉट यू कैन डू इज GTA 5 को मिनिमम ग्राफिक सेटिंग्स पे खेलने का ट्राई करो। ऑल राइट एल्स वॉट यू कैन डू इज अपना हार्ड ड्राइव का थोड़ा सा पोर्शन आप वर्चुअल रैम में डाल सकते हो, प्लीज गूगल इट, उससे थोड़ा फायदा हो सकता है। ऑल राइट सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइसिंग इज समथिंग लाइक दिस, अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है राइट 3 महीने के लिए, सो उसका पर मंथ का कॉस्ट है 2500, बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज यू गो फॉर 1.5 ईयर्स, सिंस करेंटली आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में, आपको 1-2 साल का फायदा हो जाएगा और वो सिर्फ 1000 पर मंथ का है। एंड इफ यू यूज माई कोड विच इज ASK01, इसके ऊपर, इसके ओवर एंड अबव आपको 10% ऑफ मिलेगा इफ यू यूज माई कोड ASK01। अंडरस्टूड, सो लेट्स मूव ऑन। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज आई ऑलवेज से इज जस्ट लाइक योर पर्सनल ट्यूटर, आपके एक पर्सनल ट्यूटर जैसा होता है, क्योंकि आपको एक मेंटर दिया जाता है जो आपको लाइव डाउट सॉल्व करवाता है राइट। आपको कोई भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही हो, आपको मैथमेटिक्स में मोर क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो मेंटर आपको बताएगा कि कैसे पढ़ना है, आपको स्टडी प्लानर दिया जाता है, एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो मनीषा, देर आर नॉट मेनी एडुकेटर्स फॉर कंप्यूटर साइंस, बट आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन अनअकैडमी। ओके सो अभी तो स्पेशल क्लासेस चलती हैं, कल मेरी स्पेशल क्लास है 5 PM, आप अटेंड करो, वहां पर मैं आपको बताऊंगा आगे कि वहां पर कैसे मैं क्विजेस कंडक्ट करूंगा। सो आदित्य प्रधान, आई डू नॉट हैव अ गेमिंग सेटअप बाय, बट आई हैव ऑल द गेमिंग हार्डवेयर, मेरा लैपटॉप के स्पेक्स आर गुड इनफ कि आई कैन प्ले मेनी गेम्स। हाउ मच रैम डू यू यूज आदित्य, आपके लैपटॉप में कितना रैम है या PC पे? सो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइसिंग इज समथिंग लाइक दिस, सिंस आपको एक पर्सनल ट्यूटर, पर्सनल मेंटर दिया जाता है, सो 3 मंथ्स के लिए पर मंथ आपको पड़ेगा 4000 ओनली, बट अगर आप 1.5 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर मंथ आपको सिर्फ 2000 में नहीं, 2000 से भी कम पड़ेगा। प्लस ओवर एंड अबव इफ यू यूज माई कोड विच इज ASK01, आपको इससे 10% ऑफ मिलेगा। ऑल राइट सो आदित्य प्रधान, 4 GB इज क्वाइट लेस फॉर एनी काइंड ऑफ गेम राइट। सो अब आप को गेम्स खेलनी है तो आप क्या कर सकते हो, सारी गेम्स की सेटिंग्स बहुत लो HD में खेल सकते हो, लो सेटिंग्स में खेल सकते हो, आपको उसका रेजोल्यूशन कम कर दो, उसमें से एंटी एलियासिंग कम कर दो। ओके सो शिवम, टोटल प्राइस आपको पर मंथ के हिसाब से देना पड़ता है। ऑल राइट अगर आप 1.5 ईयर्स के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके 1.5 साल के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पर मंथ 1944 रुपीज पड़ेगा। ओके
आप अगर टोटल प्राइस नहीं देखेंगे, पर मंथ प्राइस देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप टोटल प्राइस देखेंगे तो टोटल प्राइस किसी भी चीज की बहुत ज्यादा होती है, राइट? बट पर मंथ के हिसाब से आप स्कूल में भी फीस देते हैं, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर भी पर मंथ के हिसाब से बताते हैं, ऑलराइट? ओके आदित्य, 3.5 GHz CPU, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो आपको GHz के हिसाब से रैम बढ़ा लो थोड़ी, एटलीस्ट 8 GB कर दो। ओके सो लेट्स मूव ऑन। सो आई हैव अ स्पेशल क्लास टुमारो एट 5 PM फॉर IT 402 एंड AI 417। और जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर दो सो दैट आई एम एबल टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू गाइज। सो गौरी, आई विल नॉट बी टीचिंग सी एंड सी प्लस प्लस सून। सबसे पहले मैं पाइथन पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं थोड़ा जावा पढ़ाऊंगा, आई मीन साइमल्टेनियसली पढ़ाऊंगा। प्लीज ज्वाइन दो सेशंस, क्योंकि अगर आपको सी और सी प्लस प्लस भी सीखना है उसके लिए पाइथन और जावा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली जावा आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके सो मैं स्पेशल क्लास पे ये सारी चीजें लूंगा। 5 PM मेरी क्लासेज होती है, प्लीज गो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, राइट? क्लासेज कुछ इस टाइप की होती है, पीपल आस्क डाउट्स, देयर इज कंप्लीटली नो स्पैमिंग। ऑल राइट स्मार्ट टेक, प्लीज डू नॉट स्पैम। सो गौरी, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं स्पेशल क्लासेस लेना चालू कर दूंगा पाइथन की, नेक्स्ट वीक से मैं आपको टाइमिंग्स भी बता दूंगा। ऑल राइट ओके आदित्य प्रधान, आपका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पुराना है, i3 इज थोड़ा अब पुराना हो चुका है, बट आपके मोस्टली सब चीजें चल जाएंगी। मैक्सिमम स्पीड इज क्वाइट गुड, बट जनरली कंप्यूटर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे वर्क नहीं करता है अनलेस एंड अंटिल यू यूज AI मॉडलिंग। जब तक आप AI मॉडलिंग नहीं यूज करते हैं आपके कोई भी PC अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे नहीं पहुंच पाता है। ओके सो लेट्स मूव ऑन। अब क्लास 9th के लिए स्पेशली रिविजन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं आपके टर्म 1 प्रेपरेशन के लिए। यहाँ पर मैथमेटिक्स, SST और इंग्लिश का जो बैच स्टार्ट हुआ है इज ऑन 14 सेप्टेम्बर। प्लीज गो टू अनअकैडमी, आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेंगे आपके सारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? एंड 20 सेप्टेम्बर को भी एक बैच स्टार्ट हुआ था फॉर क्लास 9th। मूविंग ऑन, क्लास 10th के लिए भी है ये फॉर मैथ्स साइंस SST एंड इंग्लिश। आपको बेस्ट एडुकेटर्स दिए जाएंगे, 20 सितंबर से ये स्टार्ट हो गया, सो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन अगर आपको टर्म 1 का रिविजन अच्छे से करना है। आपका टर्म 1 अभी है नवंबर और दिसंबर में, सो आपके पास काफी टाइम है, सो प्लीज ये सब बैचेस अटेंड करिए। सो आदित्य प्रधान, AI मॉडलिंग इज समथिंग दैट वी लर्न इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप पाइथन पे कोड करते हैं सो देर आर सम कोड्स जिसको आपके CPU की, आपके लैपटॉप की फुल मेमोरी और यूजेज बढ़ जाते हैं, उसको आपको यूज करना पड़ता है AI में। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, राइट? आपका फेशियल डिटेक्शन सिस्टम। सो ये जब जब कोड्स बनते हैं सो आपका जो PC यूजेज होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑलराइट सो देर इज अ स्पेशल प्राइस वीक गोइंग ऑन, सो everyone यू कैन पे अटेंशन, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिल रहा है एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा है। सो ये ऑफर सिर्फ 2 दिन और चलेगा, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर इट। ओके ये ऑफर इज गोइंग ऑन टिल 24 सितंबर ओनली। इफ यू बाय फॉर 9 मंथ्स आपको 15% डिस्काउंट एंड बट इसके ऊपर इफ यू यूज माई कोड आपको इस सबके ऊपर एक्स्ट्रा 10% और मिलेगा। सो बेसिकली आपको डिस्काउंट की बारिश मिल रही है यहाँ पर। सो शिवांशु, इफ यू वॉन्ट टू लर्न HTML यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। आप मेरी प्रीवियस वीडियोज देखो, इसी वीडियो के नीचे आपको बायो में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके सो मूविंग ऑन, दिस इज अ स्पेशल प्राइस ऑफर। यस एग्जैक्टली शिवम, सारे सबके लिए है, CBSE एंड फाउंडेशन कोर्सेज। अगर आप CBSE में तो आपके लिए ऑफर एग्जैक्टली वैलिड है। सो मूविंग ऑन, फॉर CBSE क्लास 9th फॉर देयर टर्म 1 प्रेपरेशन 26 सितंबर संडे को फ्री, एग्जैक्टली कंप्लीटली फ्री टेस्ट है जो आपको इंग्लिश और हिंदी में टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इससे, आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं उससे। यू कैन यूज माय कोड ASK01, इट इज कंप्लीटली फ्री। ओके आदित्य, बट जनरली आपकी CPU को बूस्ट करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर हेल्प नहीं कर सकता है। ऑल राइट शिवम, अगर आपको 11th में भी है, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो मैं एक काम करूंगा, प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मैं 11th की भी क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके सो दिस इज माई कोड, आपको कहीं पर भी 10% ऑफ चाहिए तो प्लीज यूज माई कोड। अगर आपको लगता है कि इफ आई टीच वेल, अगर आपको सब चीज समझ में आती है, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर वीडियोज आपके लिए, सो प्लीज यूज माई कोड ASK01। ऑल राइट सो और ये प्लीज सब लोग ये वीडियो लाइक कर दो एक बार,
एंड प्लीज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप जिसके पास ऑलरेडी नहीं है, आई होप सबके पास होगा. दिस इज फॉर एंड्रॉइड एंड दिस इज फॉर iOS. आई होप एवरीवन नोज व्हाट एंड्रॉइड एंड iOS इज सिंस वी आर लर्निंग कंप्यूटर्स. मूविंग ऑन, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड एंड कल हम लोग देखेंगे कि कैसे आप ओपन ऑफिस में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इंडेंटेशन, रूलर्स और वो सब हम लोग चीज़ें देखेंगे. ऑल राइट, ऑल राइट आदित्य, मैंने भी सेम किया था, 11th क्लास में ही नया लैपटॉप लिया था. ओके फरिया, इफ़ यू हैव iOS यू कैन गो डाउनलोड इट, बट iOS इज़ अ वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम. आई लाइक OS क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है. ऑल राइट, थैंक यू रिद्धि, प्लीज डू लाइक द वीडियो एवरीवन, एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. अगर किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट बाकी रह गया अभी पूछ लो, या फिर मेरी किसी भी रिसेंट वीडियो पे कमेंट कर सकते हो आप, मैं वहां पर सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ. आई विल रिप्लाई टू यू देयर. ऑलराइट, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप. इसी वीडियो के नीचे लिंक में मेरे प्रोफाइल का लिंक है. ओके, ऑलराइट फरिया, सो दिस इज इट, गुड नाइट एवरीवन. सब लोग चिल करो इस टाइम पे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिन में 2-3 घंटा काफी होता है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो. टर्म 1 एग्जाम्स आएंगे उसके लिए आपके सब प्रेपरेशन हम लोग करवा देंगे. यस एग्जैक्टली आदित्य प्रधान, सो सिक्योरिटी के लिए ही प्राइस है, सिक्योरिटी के साथ प्राइस नहीं है शिवम. सो दिस वॉज इट, गुड नाइट एवरीवन. सब लोग डिनर कर लो, आई विल सी यू गाइस टुमारो. यस रिद्धि, आई विल टेक इट, टेक योर नोट. सो टिल देन, कल मिलते हैं हम लोग 5 PM, एक स्पेशल क्लास है, प्लीज ज्वाइन मी देयर, वहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ओके, सो टिल देन, प्लीज 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 गाइस, कीप क्रैकिंग.